वाराणसी के रामनगर में गंगा तट पर जब पीएम मोदी के मालवाहक जहाज टैगोर से पहले कंटेनर को रिसीव करते ही देश के आर्थिक इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया और भारत को पहले नेशनल वाटरवे की सौगात मिल गई। पेप्सिको के माल से भरे 16 कंटेनर के साथ मालवाहक जहाज MVRN टैगोर को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कोलकाता के टर्मिनल से रवाना किया गया। आजादी के बाद देश में इनलैंड वाटरवे पर किसी कंटेनर पोत की यह पहली यात्रा है। वापसी में यह जहाज इफको के उर्वरक लेकर जाएगा। 1620 किलोमीटर लंबा देश का पहला वाटरवे गंगा नदी के जरिए वाराणसी को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ेगा। आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब हम अपने नदी मार्ग को व्यापार के लिए, कारोबार के लिए इतने व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने में सक्षम हुए हैं। आप काशीवासी साक्षी हैं कि 4 वर्ष पहले जब मैंने बनारस और हल्दिया को जल मार्ग से कनेक्ट करने का विचार रखा था तो किस प्रकार इसका मजाक उड़ाया गया था। ये उस सोच का प्रतीक है कि जिसमें देश के संसाधनों और देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी के तट पर नेशनल वाटरवे 1 के मल्टी मॉडल टर्मिनल की भी शुरुआत की, जो देश का पहला इनलैंड वाटरवे टर्मिनल यानी नदी मार्ग बंदरगाह है। पीएम मोदी ने आज वाराणसी में जिस मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया है उसे 206 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। टर्मिनल पर 200 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी जेटी पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जर्मनी में तैयार हुई मोबाइल हार्बर क्रेन मंगवाई गई है। कुछ देर पहले मैंने नदी मार्ग से पहुंचे देश के पहले कंटेनर वेसल का स्वागत किया। इसके स्वागत के साथ ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया है। इस काम में दशकों लग गए लेकिन आज मैं प्रफुल्लित हूं, आनंदित हूं कि देश ने जो सपना देखा था वो आज काशी की धरती पर साकार हुआ है। ये कंटेनर वेसल चलने का मतलब है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पूर्वी भारत जल मार्ग से अब बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ गया है। नेशनल वाटरवे 1 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। इससे कोलकाता, पटना, हावड़ा, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर जलमार्ग से जुड़ेंगे। वाटरवे 1 पर 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी, साहिबगंज, गाजीपुर और हल्दिया में बनाए जाएंगे। जलमार्ग पर 1500 से 2000 मीट्रिक टन क्षमता वाले जहाजों को चलाने के लिए 45 मीटर चौड़ा गंगा चैनल तैयार किया गया है। देश के पहले वाराणसी हल्दिया वाटरवे का शुभारंभ होने के बाद अब मालवाहक जहाजों की 365 दिन आवाजाही शुरू हो जाएगी। हल्दिया जलमार्ग शुरू होने से सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए भारत दक्षिण एशिया के कारोबार में चीन के मुकाबले अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी ताकि सड़क और हवाई मार्ग के अलावा जल मार्गों के जरिए भी देश में आर्थिक रूट बन सके। इस लिहाज से वाराणसी हल्दिया जलमार्ग में गंगा के रास्ते व्यापारिक गतिविधियां होने से उत्तर भारत अब पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से जुड़ जाएगा। जलमार्ग परियोजना के तहत जब गंगा में जहाजों से माल ढुलाई शुरू होगी तो कार्गो का परिवहन सुगम हो जाएगा।
भाइयों और बहनों, आज वाराणसी में जो कंटेनर वेसल आया है, इसमें कोलकाता से औद्योगिक सामान आया है और यहां से ये जहाज फर्टिलाइजर लेकर के वापस जाएगा। यानी यूपी पूर्वांचल में फर्टिलाइजर समेत जितने भी कारखाने हैं वहां बना सामान अब सीधे पूर्वी भारत के बंदरगाहों तक पहुंच पाएगा। ये सिर्फ एक उदाहरण है, वो दिन दूर नहीं जब वाराणसी और आसपास के इलाकों में होने वाली सब्जियां, अनाज, मेरे बुनकर बंधु भाइयों के द्वारा बनाई गई चीजें इसी जलमार्ग से जाया करेगी। देश को मिले पहले वाटरवे के निर्माण की कुल लागत करीब 5,400 करोड़ रुपए आई है। मोदी सरकार ने ऐसे 100 से ज्यादा वाटरवे की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।